हम लोग चौथे अध्याय के 38 में रुके थे, 38वें श्लोक में, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धिं कालेन आत्मनिविन्दति। इसमें कहा था इत्र के समान है पवित्र, इसमें तेज भी है प्योरिफायर। पवित्र में दो भावना आती है, वन इज प्योरिफाइंग एंड अदर इज फ्रेग्रेंस, सुगंध भी है और इसमें शुद्धि भी है। ज्ञान समान शुद्ध करने वाली वस्तु और हमें सुगंधित करने वाली वस्तु। ज्ञान वो ज्ञान नहीं खाली जो बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे इधर उधर के नॉलेज, और तू तड़ाका धूम धड़ाका सब लोगों को बोले तुमको कुछ नहीं समझता है बैठो, ऐसा नहीं। ज्ञान सच्चा ज्ञान वो है जो हमें कोमल बनाए, मृदु बनाए, नम्र बनाए और झुकाए, वही सच्चा ज्ञान। नतमस्तक हो, सबके प्रति आदर जो दिलाए, दिखा दे, सब में भगवान को दिखा दे, वही ज्ञान। इसलिए इत्र भी आया, सुगंधित हो गया सारा जीवन ज्ञान से, और पाव भी आया प्योरिफायर। सो इट इज क्लेंसिंग एंड प्योरिफाइंग बट ऑल्सो मेकिंग अस फ्रेग्रेंट। वो परफ्यूम की बॉटल खोली तो जिसको भी सुंघाया सबको अच्छा स्वाद मिला। ऐसे ज्ञान समान, भगवान के ज्ञान समान, आत्मज्ञान समान, परमात्मा ज्ञान समान, भगवान खुद ही कह रहे दूसरी कोई वस्तु ऐसा परफ्यूम कहीं नहीं मिलेगा अर्जुन, इतना शुद्ध करने वाला कुछ नहीं मिलेगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्य, इह मतलब इधर इस संसार में, इधर मतलब किधर भी, विद्यते मतलब दिखाई नहीं दे रहा, भगवान देख के कर मुझे कहीं समझ रहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज्ञान समान इसके नज़दीक भी नहीं आएगा कोई, इतनी इसकी ताकत है आत्मज्ञान की, अर्थात अपने स्वरूप की, अपनी पहचान की, अपने वास्तविक स्वभाव की। तत् और उससे बड़ी देन तत् स्वयं योग संसिद्धि। ये जो मैं योग कह रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ये जो कर्म योग कह रहा हूँ, ये जब समसिद्धि अच्छी तरह से समझ जाएगा, when you will start living this, when this becomes a lived experience, जब ये खाली किताब की बात नहीं रहेगी, खाली हेडफोन लगा के सुनने की बात नहीं हो जाएगी, ये जब जीवन जीने की कला हो जाएगी, ऐसा जब जीवन हर क्षण हो जाएगा, उसे कहा सिद्धि, है ना, सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, और सम सिद्धि परमानेंट हो गया, फर्स्ट क्लास फिट हो गया जीवन में, जब ये ऐसा जीवन हो गया, हर सबके साथ प्रेम से वर्ताव हो गया, सबके प्रति निरपेक्ष भाव हो गया, किसी की कोई आशा नहीं अपेक्षा नहीं, खाली सेवा प्रवृत्ति, सेवा भाव, क्योंकि सब में दिखाई दे रहा अपना कन्हैया है, अपना भगवान है, अपने ठाकुर है, अपने गुरु है, जिस किसे इष्ट को मानते, तो इन्हें तो देना है, इनका तो आदर करना है, इनका तो सम्मान करना है, इनके तो हाथ जोड़ने, कृतज्ञ। मैंने अभी ध्यान में कहा एक एक सांस की गिफ्ट जो दे रहे, ऐसी गिफ्ट कभी किसी ने दी है? ये सांस की जो गिफ्ट मिल रही है हर सांस में, उसका स्पर्श करके आ रही है भगवान का, इसलिए जीवन है इसमें, शास्त्रों में वेदों में आया। वो तो चल रहा है अपनी मस्ती में बांसुरी बजाते, उसको चल के नज़दीक से हवा उसका स्पर्श करके हमारे फुफ्फुसों में, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जा रही है, तो हमको जीवन दे रही है। ऐसी गिफ्ट कब मिली, कब मिलेगी? तो और वो सभाओं में है। ऐसा जब जीवन फिट हो जाएगा हर कर्म में, अपने लेने के लिए नहीं कुछ, अपने अपने फल के लिए नहीं, जब बिंदास हो जाएंगे, मस्त हो जाएगा जीवन, फर्स्ट क्लास काम कर्म करेंगे अपना जो भी है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ठीक ही मिलेगा, सब जो हो रहा है पर बिल्कुल सबसे फर्स्ट क्लास हो रहा है, इससे और बढ़िया कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये जब पक्का हो जाएगा इंट्यूटिवली अपनी दिमाग में फिट हो जाएगा, उसे कहा समसिद्धि। तत् स्वयं योग संसिद्धिम, ऐसा जीवन जब हो जाएगा तब स्वयं मतलब अपने आप कालेन आत्मनिविंदति, ये सारा अनुभव भगवान का अनुभव अपने आप अंदर में विंदति मतलब दिखाई देने लगेगा। यू बी एबल टू सी एंड विटनेस कालेन इन टाइम, समय से, कालाय तस्मै नमः कहते हैं, समय के साथ सब बनता भी है, समय के साथ सब बिगड़ता भी है,
समय में सब कुछ होता है, सब समय में ही हो रहा है, ऐसे कोई घटना नहीं घट रही, कोई किसके अस्तित्व नहीं है जो समय में नहीं है, टाइम एंड स्पेस। सो ये भी हो जाएगा, भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे अंदर में बीज रो दिया है, द सीड हैज़ ऑलरेडी बीन प्लांटेड व्हेन यू वर बॉर्न, द सीड वॉज देयर फर्स्ट। एक कोई कंकॉक्टेड नॉलेज नहीं है, ये किसी के ब्रेन वॉश्ड नॉलेज नहीं है, फैनेटिक नहीं है, ये ओरिजिनल है, सहज है, अपने आप अंदर में। जैसे बीज को फेंक दिया, समय से जब उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, समय से जब भूमि का खनिज प्राप्त हो जाएंगे, समय से जब पानी बरसेगा, अपने आप समय से उसका पौधा निकल आएगा। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। इधर फेंको उधर फेंको, देख के फेंको ना देख, आँख बंद करके फेंको, सोच के फेंको ना सोच के फेंको, वो समय से हो जाएंगे उस बराबर, क्योंकि उसको वह प्रोवाइडर है सिस्टम। ऐसे ही सभी प्राणी मात्रों में, विशेषकर मनुष्य देह में एक ज्ञान है, इसको जो नर्चर करेगा, इसकी जो रक्षा करेगा, इसकी जो कीमत करेगा, इसके लिए जो झटेगा, मेहनत करेगा, वो अपने आप, कोई जिस सिर पर हाथ रखेगा, कोई उसके बाद चमक फ्लैश हो जाएगा, फिर ज्ञान आ जाएगा, ऐसा नहीं, भगवान करे, उसकी ज़रूरत नहीं। वो घर में डिलीवरी हो जाएगी, विथ यू विल नॉट हैव टू गो टू एनी स्टोर। दरवाज़ा खोल के अमेज़ॉन का डब्बा अंदर लाने तक भी नहीं, जिधर बैठे उधर जैसे है वैसे अपने आप प्रकाश हो जाएगा मन में, क्योंकि ऑलरेडी है, खाली कवर्ड अप है, कहीं से बाहर से अंदर आने का प्रश्न ही नहीं है, जो अंदर में ऑलरेडी है। बीज के अंदर उसका डीएनए, उसका वो, इसमें से प्याज निकलेगा या गुलाब निकलेगा, वो पहले से ऑलरेडी प्री डिटर्मिंड है, उसके कोडिंग उसमें है। ऐसे ही मनुष्य देह में आत्म साक्षात्कार का कोडिंग पहले से है, जब समय से उसको जो प्रयास करेगा, उसको प्रकाश सहस्त्र सार साधना करते करते, सात चक्रों वाली साधना जो है, जैसे वो भी करने की आवश्यकता नहीं है, वो गीता योग से हो जाएगा। मैं कई बार कहता हूँ द मोस्ट एफिशिएंट पाथ, दो बातें करें, थोड़ा थोड़ा ध्यान रोज 10 मिनट से शुरू करें, 12 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट हो जाए तो बस बंद करने का प्रयास करोगे तो बंद नहीं कर पाओगे, 30 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा गीता, ये दो बातें जो रोज करेगा, मैं अपनी गाथा कह रहा हूँ, वो कचरा पट्टी से उठ करके किधर का किधर पहुँच जाएगा। मैं तो गधे की नहीं, रोज कचरा पट्टी में रोज नहाता था, पानी से नहीं नहाता था, कचरे से नहाता था रोज। लेकिन ये जब दो बातें जब शुरू हो गई जीवन में, थोड़ी गीता, दो श्लोक और थोड़ा सा ध्यान, अभी तो रहा नहीं जाता, तड़प उठता है जीवन, तो कैसे जेट यात्रा, रॉकेट साधना, वो तो मंगल मार्स में पहुंच गया है, 300 मिलियन माइल्स, सुना होगा 300 मिलियन माइल्स, एंड परफेक्टली लैंडेड। सो जस्ट प्राउड मोमेंट फॉर एन ओल्ड मैन, माई डॉटर मोहिनी, शी इज डूइंग अ PhD एट एरिजोना स्टेट, शी इज़ अ नेम्ड कोलैबोरेटर ऑन दैट मिशन, एंड उसका भी फीनिक्स में न्यूज़ इंटरव्यू वगैरह भी आया, सो वी वर सेलिब्रेटिंग एंड वॉचिंग इट। और कैसा कमाल है कि परफेक्ट लैंडिंग एग्जैक्ट स्पॉट पे, 300 मिलियन माइल्स। सो शी इज़ ऑन दैट टीम, शी इज़ ऑन द कैमरा टीम, उसमें जो कैमरा लगा है जिससे इमेजेस आ रहे हैं उसके, तो ऐसे ऐसे परफेक्शन हो सकता है इधर इधर बैठे बैठे। सो इसलिए भगवान ने वो श्लोक लास्ट टाइम जो हमने किया, तत् स्वयं योग संसिद्धिम कालेन आत्मनिविंदति, तो इन बातों पर विश्वास होना चाहिए। आई थिंक सम आई हियर सम कमोशन, ओके। सो आज का एक श्लोक जो कम से कम एक श्रद्धा, मैंने कहा था लास्ट टाइम व्हेन वी लेफ्ट, आई हैड सेड दैट मेरी गीता की यात्रा इस श्लोक से प्रारंभ हुई थी। पहला श्लोक जो वो खंजीर छाती में घुस गया, द डैगर वो मेरे चेस्ट में हो गया, जो अभी अभी तक नहीं निकल रहा बाहर, गीता का ये श्लोक था। श्रद्धावान लभते, जो मर गया मैं जो था पहला, वो मर गया इस खंजीर से, ये था वो जीवन देने वाली खंजीर थी, यानी शरीर को मारकर आत्मा को चेतने वाला ऐसा घाव लगा। 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
भगवान कहते हैं श्रद्धावान, तीन बात, तीन थ्री कैरेक्टरिस्टिक, थ्री क्वालिटीज जिसमें हो होने चाहिए, तो ये काम अचिरेण जल्दी से हो सकता है। अपने पास किधर समय है ना, हम लोग इंजीनियरिंग सीखे तो एफिशिएंसी 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 थी, जल्दी जल्दी करना है काम, जल्दी में जल्दी हो, खर्चा ज़्यादा ना हो, सस्ते में हो, कम देना पड़े, ज़्यादा मिल जाए, ये सब को बड़ी में फिटता है। इसलिए भगवान को भी खरीदने के लिए ऐसा कोई मार्ग चाहिए था जो थोड़ा सा देना पड़े और पूरा का पूरा मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। अगर ऐसा हो तो भगवान कहते एक पूड़ी खोल के दी, एक एक बात, ये तीन बातें अगर अपने आप में इसको बढ़ाएं तो हो सकता है। अचिरेण अधिगच्छति, चिर मतलब लंबा, बहुत देरी से, अचिरेण मतलब शॉर्ट, क्विक, क्विकली, अधिगच्छति मतलब जा पहुँचेगा, यू विल रीच द डेस्टिनेशन, अधि पहले पहुँच जाएगा, जल्दी से पहुँच जाएगा। कैसे, तीन बातें, श्रद्धावान, मन में थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा फेथ हो, थोड़ा सा ओपन माइंड, श्रद्धा को तो बिल्कुल वाटर डाउन कर दिया अभी इसमें, और ये भी नहीं कि आरती करे तो ये सब पाठ हो, इस दिन को ये खाए उस दिन वो उपवास करे, तो हिंदू आलमना करे, ओपन माइंड, गीता तो एकदम सस्ती कर देती है इस मार्ग की, ओपन माइंडेड हो, इतने बुद्धिमान न बन जाए, इतने अनफॉर्चुनेट स्मार्ट एलक न बन जाए कि बंद कर दे तो को कि ऐसा हो नहीं सकता, भगवान भगवान कुछ नहीं हो, ये सब साइंस से हो रहा है, विज्ञान से हो रहा है, सब मटेरियल है, मैटर से, इतना इससे बड़ा मिसफॉर्चून नहीं होगी कितने भी बुद्धिमान हो तो कि इतना दिमाग बंद हो गया। तो द ट्रिक इज, दिस इज एन एनोनिमस थिंग, आई डोंट नो हु सेड इट, बट द ट्रिक इज टू कीप एन ओपन माइंड विदाउट लेटिंग द ब्रेन फॉल आउट। दोनों चाहिए, ओपन माइंड भी चाहिए और एकदम ही गधड़े गधे नहीं बन जाए कि जो जिसने जो कह दिया वो उठा के वैसे करने लग गए, लेकिन इतने भी होशियार बुद्धिमान न बन जाए कि माइंड को ओपन माइंड नहीं रखा, हो सकता है नहीं करे, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा नहीं करे। सो द ट्रिक इज टू कीप एन ओपन माइंड विदाउट लेटिंग द ब्रेन फॉल आउट। अपने भेजे को दिमाग को बाहर न गिरने दे, लेकिन अपने मन को ओपन रखे थोड़ा कि हो सकता है, उसे श्रद्धा का। और सत्यधा है, सत्य में, सच्चाई में, हायर रियलिटी में, ओपन माइंड, जनरल ओपन माइंड नहीं, ओपन माइंड टुवर्ड्स समथिंग बिगर, इट मे बी पॉसिबल, देर मे बी अ गवर्नर ऑफ दिस कॉस्मोस, देर मे बी ए कंट्रोलर, हो सकता है देर मे बी अ कॉस्मिक लॉ, ऐसा हो सकता है कोई सिस्टम हो ऊपर जो हम अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकते, लेकिन कोई होगा नियंता, इसका शास्ता होगा। इतना विश्वास, ये सत्य में जो धाम मतलब बुद्धि अपनी धारण करने की जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम देखते हैं सुनते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको इधर स्टोर करते हैं ना, अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, धारण करते हैं, इसलिए धा जब शब्द आता है किधर भी तो बुद्धि का वाचक होता है। तो सत धा, सच्चाई में, सत्य में, रियलिटी, हायर ट्रूथ में अपनी, तो वो श्रद्धा हो गई। पहला एक बात हो श्रद्धा, श्रद्धावान, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, सो लॉन्ग एज दैट श्रद्धावान, दैट ओपन माइंडेड पर्सन इज तत्पर और संयत इंद्रिय। तत्पर मतलब अलर्ट एंड कमिटेड, लैकडेजिकल नहीं हो, झटपट लग जाए, जल्दी जल्दी उसे, बहुत ढीला ढाला काम चल रहा है, कल कल कर लेंगे ना, तो एकादशी द्वादशी सब एक ही है ना, वो कल उपवास कर लेंगे, हाँ बाद में सुन लेंगे सत्संग, अभी तो पहले ये चल रहा है सीरियल, अभी थोड़ा सो ले, अभी वीकेंड है, आज आज इतनी माला नहीं किया तो चलेगा। वो तत्पर नहीं, वो अतत्पर है, वो अपने मड़के को छेद किए जा रहा है, वो पानी रुकेगा नहीं, कभी टिकेगा नहीं, धीरे धीरे बहता जाएगा, कितना भी ऊपर से भर के डाले तो वो अपने हाथ से छेद कर रहा है। तो तत्पर है, बिल्कुल प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, फुल्ली कमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब सहज समाधि की स्थिति आएगी, फिर न आँख न मुंदु, कान न रुंदु, काया कष्ट न देव, खुली आँख में हस हस देखु, सुंदर रूप निहारु, साधो भाई सहज समाधि भली। ये तपस्या के जो दिन है, ये जो ठान लिया है, गुरु से मंत्र लिया है, जप करना है, कुछ अपनी शुद्धि करनी है, पवित्रता करनी है, उतने दिनों तक गीता पढ़ना है, ध्यान करना है, तत्पर रहे उसमें, प्रायोरिटाइजिंग, तत्पर इज प्रायोरिटाइजिंग, श्रद्धा इज ओपन माइंडेड, तत्पर इज प्रॉपरली प्रायोरिटाइजिंग, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भैया सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कौन सी है जीवन में,
नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। शिव जी कह रहे ध्यान से ज़्यादा हायर प्रायोरिटी कुछ नहीं है जीवन में। वो तप बाद में करना, दान बाद में देना, नहाना बाद में, शतम विहाय भोजन को कहते, सौ काम छोड़ के भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नातम ते सहस्त्राणी, हजार काम छोड़ के नहा लेना चाहिए। और सर्व कार्य वह सब काम छोड़ के पहले ध्यान कर लेना चाहिए। तो ये जो कमिटेड ऐसा रहे उसको कहा तत्पर। खाली ध्यान के लिए नहीं, जो भी मार्ग अपना चूज़ किया होगा। मैंने मेरे अपने लिए गीता और ध्यान का मार्ग था। ओ यू, दैट डजंट मीन दैट दैट्स द ओनली पाथ एंड दैट डजंट मीन दैट दैट्स द बेस्ट पाथ फॉर यू। यू विल नो व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, यू शुड फॉलो योर पाथ। बट दिस आई विल रेकमेंड दिस पाथ बिकॉज इट वर्क्स इवन फॉर अ मटेरियलिस्ट लाइक आई वंस वॉज। सो तत्पर हो। और तीसरी बात, संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर संयम, रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस। आँखों को इधर उधर जाके ये देख रहा है, वो चंचल न रहने दे, ये भी देख ले, वो भी देख ले, वो भी देख ले, ये भी शो, वो भी शो, सर्फिंग द नेट, सर्फिंग वो तो रिमोट, अपना थर्ड आर्म रिमोट कंट्रोल हो गया, ऐसा ना हो। शब्द बकवास करते गए, इसका फ़ोन, फिर उसका फ़ोन, फिर उसका फ़ोन, फिर इंडिया में कैसा चल रहा है, फिर आज की कौन सी सब्जी बनाई, फिर कल क्या होगा, नहीं कानों से ये सुना वो न्यूज़ चैनल, फॉक्स भी और CNN भी, रिपब्लिकन क्या कह रहे हैं और डेमोक्रेटिक क्या कह रहे हैं। थोड़ा कम करते जाए उसको, शब्द स्पर्श रूप रस, खाना खाना खाना, ये रेसिपी वो रेसिपी, ये बेक नहीं किया, इसको एयर फ्राई किया, नहीं इसको तो डीप फ्राई किया। थोड़ा कम उसको अभी संयत इंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसको रिस्ट्रेनिंग, पुलिंग द सेंसेस बैक, ये घोड़ों की लगाम थोड़ी खींच करके। एक किसी सत्र में मैंने कहा था, औषधवत कहा है अपने शास्त्र में, दवाई कितने लेते हैं, जितनी जरूरी उतनी ही लेते दवाई, पूरी बोतल नहीं डाल देते, धड़क धड़क ऐसा ही उतना ही खाए जितना जरूरी। दवाई जब कब तब नहीं लेते, सुबह दोपहर जितने बजे जब बताए तब लेते, सुबह एक शाम को एक, और जितनी ले ली उतनी ही लेते, और कौन सी भी दवाई नहीं ले लेते, वो मेडिसिन कैबिनेट खोल के, डजंट मैटर, टेक एनी बॉटल एंड जस्ट टेक इट। नहीं, जो लेना है वही दवाई, जब लेना है तो उसी समय, और जितनी लेना है उतनी ही। तो औषधवत मतलब क्या हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो देख रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ये सब उतना ही करे, उसी समय करे, और वही करे जो योग्य हो, बस। तो ये हो गया संयत इंद्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। ये तीन बातें जो करेगा, ओपन माइंडेड रहेगा, प्रायोरिटाइज करेगा इस मार्ग को, और अनटिल वी रीच देयर, है ना, कभी स्नो पर आइस में जब ड्राइविंग करते हैं स्नो पे, तो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड होकर ड्राइविंग करेंगे तो कितना 50 फुट जाके गाड़ी फिसल जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इधर जाना तो इधर पर ही हो जाएगी, नहीं तो क्रैश हो जाएगी। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ना, अनडिस्ट्रैक्टेड, तत्पर इंद्रिय संयम, आँखें उधर ही देखते, कोई बात कर रहा था कहते वे वे डोंट, फोन रिंग हो रहा था, नो वी डोंट पिक अप द फोन, बिकॉज आई मस्ट फोकस, दिस इज ए ट्रेचरस रोड, दिस इज ए स्लिपरी स्लोप। अथवा तो बहुत जल्दी कहीं बड़े महत्व के काम के लिए कहीं जाना हो तो वी फोकस ऑन इट। ऐसे ही ये आत्मा की गति अधिगच्छति का जाना है, एक करोड़ों जन्मों की यात्रा, फाइनली कहीं से आगे किधर पहुंच गए, अपने डेस्टिनेशन के GPS कोऑर्डिनेट्स पता चल रहे, इधर इधर जाना है, तो अभी तो कितना केयरफुल रहना चाहिए, कितना फोकस रहना चाहिए, कितना अनडिस्ट्रैक्टेड ड्राइव करना चाहिए अपने जीवन के रथ को, उसको कहाँ संयत इंद्रिय। तो ये तीन बातें जो करेगा, अगेन ओपन माइंडेड, श्रद्धावान, तत्पर, प्रायोरिटाइजिंग, और संयत इंद्रिय, रिस्ट्रेन, थोड़ा संभाल के, केयरफुल। नेचुरल कॉमन सेंस की बातें करती है भगवान, इसीलिए तो मेरे को ये प्यारा है। ये उधर सफ़ेद दाढ़ी बना के ऊपर बैठ के नहीं कर रहा, अपने ऑर्डर नहीं दे रहा, एकदम इधर आके अपने में आके बैठता है, गाय हाँकता है, बकरी हाँकता है, जो झूठन खा लेता है, जो जैसे अपने बीच में अपने सामान दिखता है, दो हाथ लेकर के आता है,
अपने समान नखरे करता है, वो पहन लेता है कुछ ही वो, और अपने समान कॉमन प्रैक्टिकल बातें कर रहा, कॉमन सेंस कह रहा। देख अर्जुन, ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, नो योर प्रायोरिटीज एंड बी केयरफुल और विजिलेंट। ये तीनों अगर करेगा तो फोकस आएगा, और फोकस तेरे को अपने आप मिल जाएगा ये ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयते इंद्रिय। ज्ञानम लब तो ज्ञान की क्या, तो व्हाट्स द बिग डील, ज्ञान मिलेगा तो किसके साथ खाएंगे उसको, कौन से बैंक में रखेंगे उसको, क्या करना, क्या पहनना है ज्ञान को। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ओ ज्ञान से क्या होगा, जैसे ज्ञान प्रकाश होगा उसी क्षण अचिरेणाधिगच्छति शांति मिलेगी। शांति कैसी मिलेगी, पराम शांति, आज तक अनुभव नहीं हुआ ऐसी डीप डीप पीस ऑफ माइंड, ऐसी शांति जिसमें सबको क्षमा कर सकेंगे। किसी ने कितना अपमान किया था, कितना मार दौड़ की थी, कैसे बुराई, कितनी चोरी की थी, हमारे साथ डायरेक्ट खुले आम चीटिंग करी थी, कैसे गाली गलौज की थी, कैसे पीछे में हमारे लिए गॉसिप किया था, कैसे कुछ अब्यूज़ किया था रिलेशनशिप को, एक ने घाव अभी तक रखे है, उसको भी टॉलरेट करके के फॉरगिवन मूव ऑन। ऐसी शांति की कभी कोई अपेक्षा नहीं होगी। फिर हमने इतना इतना किया, इतना इतना कर रहे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, ससुर समधियों के लिए, और तो कैसे हमको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो तो उनके ध्यान में भी नहीं है, एक थैंक यू भी नहीं कहा, एक्नॉलेज भी नहीं किया, कुछ नहीं उससे होगा, अपना स्थित हो जाएंगे देने का काम अपना। ऐसी शांति, कभी कितना कितना नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए था, हमने क्या पाप किया था, एक्सीडेंट नहीं होना था चाहिए था, बच्चों के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई नहीं होगा, ठीक है लगेगा, ठीक हो रहा है, भगवान जो करे बराबर करे, अच्छा ही है इसमें। ऐसी शांति, ऐसे कितनी भी बुराइयाँ हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियाँ हो, लेकिन मन में एक इतना एंकर रहेगा, ग्राउंडेड रहेंगे, सेंटर्ड रहेंगे। तूफान चलता है, हरिकेन चलता है ना, इतने बड़े बड़े हरिकेन आते हैं, उसमें सेंटर में आय ऑफ द हरिकेन होता है ना, उसके बीचों बीच जो उसको आय कहते हैं, आँख उसकी, उधर एकदम स्तब्ध होता है, कोई इमोशन नहीं होता, वो आय वो सारे तूफान के साथ जाता तो है इसका सेंटर, लेकिन उस आय के बीच में एकदम गहरी शांति होती है। ऐसे ये सारा खटपटा जीवन तो चलता रहेगा फिर भी, लेकिन अंदर में ऐसी गहरी शांति रहेगी कि कोई गड़बड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मुसीबत नहीं, स्मित हास्य जीवन में रहेगा, अम्यूजिंग लगेगा, अ जेंटल माइल्ड लविंग स्माइल वेयरिंग एट ऑल टाइम्स। उससे कहते परा शांति, उधर वाली शांति, सुप्रीम पीस, इधर वाली शांति नहीं, इधर वाली शांति के दूसरे बाजू में अशांति लगी है, इधर वाली शांति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जब तक पकड़ के रखे तब तक शांति रहती है, उसको जैसे छोड़ दिया तो फिर से अशांति। इसका सेटिंग, इधर वाला सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग इज अशांति। मेहनत करेगा वो शांति पाएगा, छोड़ देगा तो फिर से वो परा शांति नहीं है। एक बार छलांग लगा के इधर मार्स में गया वो रोवर, पृथ्वी तो 11 किलोमीटर तक उसको ढकेलना पड़ा रॉकेट को, नहीं तो वो नीचे गिर जाता था फ्यूल लगा के। एक बार पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑर्बिट, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर निकल गया तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाया, ऐसे वो परा फिर हो गया। ऐसे ही जो ये हमारे यहाँ के जीवन के जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वाली जो ग्रेविटी है, पुल करने वाली, हमको नीचे खींचने वाली चित्त की वृत्तियाँ है, इनसे जो ऊपर उठ गया फिर नहीं पकड़ में आएगा, उसे कहा पराम शांति। तो इतनी बड़ी गिफ्ट भगवान कह रहे, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति, उधर स्थित हो जाएगा। तो इतना सा करके इतना मिल सकता है इन सांसों में, तो इससे बड़ी और कौन सी प्रायोरिटी है जीवन में, नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती। ये जो ये कृपा प्रसाद है जिस मार्ग पे हम चले हैं, ये गिफ्ट है भगवान की हमारे लिए, गीता रूप में, इस ज्ञान रूप में, इसलिए फिर अर्जुन को करे, फिर तेरे को नहीं लगेगा ये युद्ध करूँ कि नहीं करूँ, कि भीख मांगू, कि ये तो इससे अच्छा होगा कि बुरा, हम जीतेंगे। पहले अध्याय में सुना था ना, हम नहीं जानते हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे,
कौन जीतेगा तो भला होगा, इतनी गड़बड़ इतनी कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, फिर फर्स्ट क्लास अपना कार्य हमेशा करेगा और एकदम बिंदास हो जाएगा, मजे का जीवन हो जाएगा। तो हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तात्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। होप दिस मेक्स सेंस एंड नेक्स्ट टाइम विल पिक अप ऑन नंबर 40। उसमें विवेक, हिंदी में वही उस श्लोक का पढ़ता हूँ, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। भगवान कह रहे कि देख, दिस इज द ट्रूथ ना, तो उसको भगवान को चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ही हैज नथिंग टू गेन, ही इज नॉट, उसका एजेंडा नहीं है। कृष्ण डजंट केयर इफ कौरव विन और पांडव विन, बिकॉज कृष्ण इज नॉट फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ पांडवास। एक बार मैंने ये कथा बताई थी भागवत ने, उसका कोई लेन देन नहीं था पांडव पांडव, तुमको लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। उसने कह भी दिया था ना, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। आगे जब 11वें अध्याय में हम चलेंगे, 11th चैप्टर में कहता है, देख यार तेरे को लड़ना है तो लड़ना, नहीं तो चल निकल जाए इधर से, मैं इधर अब डटा हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा समझ कर ये सब पहले से ही मर गए अधर्मी लोग, इस समय की बात है। दिस इज आई एम गोइंग टू फिनिश दिस जॉब विथ यू और विदाउट यू, ये तो धर्म तत्व कृष्ण है ना। तो इस तो भगवान कह रहे कि तेरा मानता है तो मान, नहीं मानता है तो मत मान, जो मानेगा वो जानेगा, वो पालेगा। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जिसकी विश्वास है, जिसकी श्रद्धा है, जो प्रयास कर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा समझ में लगेगा और देन इट बिल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। वंस यू कीप एन ओपन माइंड, वंस यू रियलाइज दैट मे बी देर इज सम ट्रूथ टू इट, एंड इफ यू पुश दैट स्नो बॉल अ लिटिल फार्दर, और थोड़ा बड़ा कि हाँ 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 लग रहा है बराबर। सबसे बड़ा नुकसान जीवन में वो होगा, बिल्कुल खबरदार सावधान, जान चली जाए लेकिन नहीं हो, इस मन से अगर श्रद्धा आ गई, मन में अगर संशय आ गया, डाउट हो गया कि नहीं इतने साल से 40 साल हो गए कह रहे कुछ नहीं हो रहा, उस डाउट को उधर ही गर्दन दबा देना, संशय नहीं होने देना। श्रद्धा का धन रोक वो तो, जब तक श्रद्धा बची अपनी सब बाक्षावित, कोई बिगड़ा नहीं। ये मर गया तो मर गया शरीर, अगले उधर ही चालू हो जाएगा फिर से उधर से, तो सब कुछ छोड़ना पड़े लेकिन श्रद्धा को नहीं छोड़ना। भैया इससे बड़ा नुकसान कंसीवेबल नहीं है, इमेजिनेबल नहीं है, अपनी श्रद्धा को कोई तोड़े तो। इतनी मेहनत कभी किसी ने नहीं की जितनी आपने की, हम सब ने की यहाँ तक आने के लिए, इसको नहीं छोड़े। तो भगवान कहते हैं, इस 24 श्लोक पढ़ा था जो नेक्स्ट टाइम हम लोग शुरू करेंगे, कि जो अज्ञ है मतलब विवेकहीन है, जो इस बात को ध्यान दे के समझता नहीं है, अपनी खुद की अकल नहीं इसमें लगाता, थोड़ा समझने का प्रयास नहीं करता, और श्रद्धा को भी छोड़ दिया है, वो श्रृंखल स्वभाव कर दिया, मे बी नॉट कर दिया, और मे बी नॉट जो करेगा वो धीरे धीरे मे बी नॉट की ओर जाएगा, मे बी नॉट बन के नॉट में नॉट्स गाठ में उलझ जाएगा, बन जाएगा। तो फिर न इधर सुख है न उधर सुख है, न यह लोक सुखी न परलोक सुखी, कहते इधर भी अशांति फिर, और उधर की यात्रा परम शांति का तो प्रश्न ही नहीं फिर। इसलिए सबसे बड़ी बात, मेन बात इसमें आज के सत्र में मैं तो कहूँ कि अपनी जो श्रद्धा मिली है जीवन में, विश्वास हो रहा है, उसको बहुत धन्यवाद देना अपने आप को। ये बहुत बड़ी कृपा समझना भगवान की, गुरु की, कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, और इसको ऐसे चिपक जाना है, ऐसे पकड़ लेना, इसको कभी नहीं छोड़ना इस श्रद्धा को। इतना हो गया तो बहुत बड़ा काम हो गया इस जीवन में, बाकी का काम अगले जीवन में भगवान अपने आप हमसे करा लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, ग्रेट सीइंग यू ऑल अगेन।